हेलो एवरीवन आई होप आप सभी लोगों का स्टडी अच्छा चल रहा हो आज के इस लेक्चर में हम लोग एग्रोनॉमी के ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वाले पार्ट को उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करने जा रहे हैं अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक ये भास्ट टॉपिक भी है बट आज के लेक्चर में हम लोग जो इसका सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे उससे पहले जो बच्चे ने एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर कोर्स के लिए इंक्वायरी किए थे मैं उनको बता दूं कि जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है वो फर्स्ट ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोर्स फर्स्ट सितंबर से चालू है उसका डिटेल्स या जो खरीदने का कोर्स लेने का लिंक वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर वहाँ पर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वहाँ वहाँ पर कॉल या मैसेज करके आप जब बाकी का जानकारी ले सकते हैं चलिए तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हम लोग आज इस लेक्चर में जानेंगे आखिर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता क्या है यहाँ पर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में जो हम क्रॉप प्रोडक्शन में जो समस्या आती है वो क्यों आती है उस समस्या से हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वहाँ का इफेक्टिवली हम क्रॉप प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं वो सारे चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगर हम बात करते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की तो उससे पहले हम एक टर्म है उसके बारे में समझेंगे पहले कि जो हमारा रेनफेड ये क्या होता है रेनफेड देखिए रेन मींस बारिश और फेड मतलब फीड मतलब बारिश से फीड किया जाएगा रेनफेड एग्रीकल्चर यानी कि रेनफेड का मतलब ये होता है कि वो बारिश पर आश्रित रहेगा खेती करने के लिए एग्रीकल्चर करने के लिए किस पर आश्रित रहेंगे बारिश पर डिपेंडेंट रहेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो ये जनरली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर उस एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है जहां पर एनुअल रेनफॉल लगभग 600 से 700 सौ mm एम से ज्यादा नहीं रहता है उस एरिया में अब उस एरिया में अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज्यादा नहीं है एनुअली <coughs> तो जितने भी बारिश वहां हो रही है जितने भी अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रहा है उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ता है भले ही वहां पर अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज्यादा हो या कम हो उस सिचुएशन को समझते हुए वहां पर खेती करना पड़ता है ठीक है अगर हम बात करते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की तो वहां पर एडिशनल इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है वो कहाँ पर किन पर डिपेंडेंट रहेगा इन रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहेगा खेती करने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ठीक है तो अगर हम बात करते हैं तो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन उसको हम क्या बोलते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं पूरी की पूरी तरह से बारिश पर आश्रित खेती जो होगा उसको हम बोलेंगे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अलग अलग ग्रुप हैं है ना? अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं ड्राई फार्मिंग जनरली अगर हम ड्राई फार्मिंग की बात करें तो ड्राई फार्मिंग हम उस एरिया में करते हैं बोले तो एरिड एरिया में करते हैं एरिड जोन में होता है ड्राई फार्मिंग जहां पर एनुअल रेनफॉल 750 सौ से ज्यादा नहीं रहेगा वहां पर क्या रहेगा 750 सौ पचास एम एम से रेनफॉल ज्यादा नहीं रहेगा ठीक है अब इस एरिया में जहां पर अमाउंट ऑफ रेनफॉल सेवन फिफ्टी एम एम से कम है ठीक है वो भी सी बात है कि वहां पर सॉयल में मॉइस्चर की कमी वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी उस एरिया में ज्यादा दिन तक सॉइल में मॉइस्चर नहीं रह पाता है इसलिए वहां का ग्रोइंग सीजन भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा ग्रोइंग सीजन वहां पर लेस देन सेवन डेज का होता है जिस दौरान वहां पर एडवोकेट मॉइस्चर रहता है लेस देन सेवनटी फाइव डेज का ग्रोइंग सीजन रहेगा वहां पर क्रॉप फेल्यूर बहुत होगा क्यों ड्राई स्पेल के कारण सूखा के कारण ड्राउट कंडीशन के कारण वहां पर क्या होगा क्रॉप फेल बहुत होता है तो उस एरिया में हमें क्या रहेगा सॉयल मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना रहेगा तभी पर हम वहां पर इफेक्टिवली खेती कर सकते हैं आई होप समझ में आया ड्राई फार्मिंग क्या होता है ड्राई फार्मिंग सबसे पहले एरिड एरिया में होगा जहां पर एनुअल रेनफॉल क्या रहेगा 750 फिफ्टी एम एम से कम रहेगा वहां पर क्रॉप फेलवर किस वजह से होगा तो प्रोलोंग्ड ड्राई स्पेल के वजह से होगा ड्राउट के वजह से होगा वहां का ग्रोइंग सीजन भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वो लेस देन सेवेंटी डेज का होगा और वहां पर हमें सॉयल वाटर मॉइस्चर कंजर्वेशन मेथड को अच्छे से वहां पर एडॉप्ट करना पड़ेगा उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का पहला ड्राई फार्मिंग उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है ड्राईलैंड फार्मिंग ड्राईलैंड फार्मिंग जनरली हम सब एरिड जोन में करते हैं जहां पर कि जो एनुअल रेनफॉल रहेगा वो 750 सौ mm एम से तो ज्यादा रहेगा बट 1150 फिफ्टी mm से क्या रहेगा कम रहेगा ठीक है 750 सौ mm से ज्यादा बट 1120 ट्वेंटी mm से कम रहेगा अब अगर हम बात करते हैं 1150 एम mm से अब देखिए वहां हम बात करते हैं यहां पर भी क्रॉप फेल्यर होगा बट उतना नहीं होगा जितना ड्राई फार्मिंग में देखने को मिला था ड्राई स्केल के वजह से ड्रॉट के वजह से उसके बाद अगर आप देखें ड्राई फार्मिंग में तो वहां पर ड्राई फार्मिंग में अमाउंट ऑफ रेनफॉल बहुत ही कम है तो वहां पर विंड एरोजन भी ज्यादा देखने को मिलेगा वहां पर आप मोनोक्रॉपिंग से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं किस केस में ड्राई फार्मिंग के केस में बट यहां पर क्या है कि जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो सात सौ से ज्यादा है और ग्यारह सौ से कम है तो यहाँ पर आपको विंड इरोजन भी उसके साथ साथ आपको वाटर इरोजन भी देखने को मिलेगा उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ग्रोइंग सीजन होगा यहाँ पर यहाँ पर ग्रोइंग सीजन थोड़ा बढ़ जाता है यहाँ पर ग्रोइंग सीजन सेवेंटी फाइव डेज से वन ट्वेंटी डेज का हो जाता है क्या हो जाता है सेवेंटी फाइव डेज से वन ट्वेंटी डेज का रहेगा इसमें हमारा ड्राई लैंड फार्मिंग उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा आता है हमारा रेनफेड फार्मिंग रेनफेड फार्मिंग जनरली हम ह्यूमिड रीजन में एडोप्ट किया जाता है जहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल रहेगा वो ग्यारह सौ पचास एम एम से ज्यादा रहेगा यहाँ पर कभी ड्राउट वाली सिचुएशन नहीं आएगी बट यहाँ पर एक्सेस वाटर जरूर जमा हो जाएगा जिसके कारण हम क्या करेंगे वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को एडॉप्ट करेंगे कि क्योंकि देखिए आपने वहाँ पर ड्राई फार्मिंग में देखा था कि वहाँ पर पानी की कमी थी तो विंड इरोजन हो रहा था यहाँ पर एक्सेस वाटर हो जा रहा है रेनफेड फार्मिंग में तो यहां पर क्या होगा कि वाटर इरोजन के इंसिडेंस ज्यादा होगा पानी अगर जम गया तो वहां पर हमको ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा करना पड़ेगा है ना वो किस में है और यहां पर जो ग्रोइंग सीजन भी रहेगा यहाँ पर 120 दिन से ज्यादा रहता है ठीक है तो एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं ड्राई फार्मिंग कहाँ होता है रीड जोन में होगा जहां पर एनुअल रेनफॉल सात सौ पचास से कम रहेगा वहां पर क्रॉप फेलियर होगा ड्राई स्पेल या ड्राउट की वजह से और वहाँ का जो ग्रोइंग सीजन रहेगा लेस देन सेवेंटी डेज का रहेगा वहाँ पर हमको सॉइल कंजर्वेशन वाटर मॉइस्चर कंजर्वेशन मेथड यूज करना चाहिए वही अगर आप ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर ये सब ह्यूमिड सब एरी रीजन में होगा जहाँ पर एनुअल रेनफॉल होगा वो सात सौ पचास एम से ज़्यादा होगा बट अलेवन फिफ्टी एम से कम होगा यहाँ पर ग्रोइंग सीजन कितने है सेवेंटी फाइव टू वन ट्वेंटी डेज का होगा वही रेनफेड फार्मिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर एनुअल रेनफॉल अलेवन फिफ्टी से ज़्यादा होगा यहाँ पर ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा रखना पड़ेगा जो यहाँ पर क्रॉपिंग ग्रोइंग सीजन होगा 120 दिन से ज्यादा का होगा और यहां पर आपको वाटर इरोजन का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ठीक है आई होप आपको समझ में आया उसके बाद देख सकते हैं आप ये कुछ इंस्टीट्यूट के नाम हैं जो आपको याद रखना चाहिए सबसे पहले अगर हम बात करें क्रीडा का तो क्रीडा क्या है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ये ट्वेल्थ अप्रैल 1985 को स्टेब्लिश हुआ था कहाँ पर हैदराबाद में उसके बाद एक आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड ड्राई एरियाज ये कहा है हमारा सीरिया में है फिर हमारा इकड़ी सेट आता है जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी ट्रॉपिक्स है ये 1972 में हुआ और ये भी कहा है हमारा हैदराबाद में है तो ये इंस्टीट्यूट का नाम और प्लेस एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी हमें याद रखना है ठीक है हाँ ये आपका ये कोर्स है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर वाला जो कि एक सितंबर से चालू होने जा रहा है इसके बारे में मैंने डिटेल्स आपको दे रखा हूँ बाकी चीज़ का डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लें और आपको कोई डाउट होता है तो आप कॉन्टैक्ट करें चलिए आगे बढ़ते हैं हम ड्राउट देखिए ड्राउट को हम आम भाषा में समझाते हैं ड्राउट किसको बोलते हैं ठीक है ना सपोज किसी एरिया में जो एनुअली जो रेनफॉल हो रहा है वो हो रहा है 100 एम mm एम का कितना हो रहा है 100 एम mm एम का एनुअली बारिश हो रहा है अब किसी टाइम पे किसी साल में वहाँ पर जो बारिश हुआ वो 75 फाइव mm एम या उससे कम हुआ 75 फाइव mm एम से कम हो गया है ना क्या हो गया 75 फाइव mm एम से कम हो गया मीन्स लेस देन 75 परसेंट जो नॉर्मल रेनफॉल होता है जितना उसमें से अगर 75 परसेंट से कम बारिश हुई जैसे मैं क्या बोला नॉर्मली अगर हम मान लेते हैं कि एनअली वहाँ सौ एम mm की बारिश हो रही है बट इस साल वहां पर 75 mm एम या 75 फाइव mm एम से कम बारिश हुई तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं ड्रॉट बोल देते हैं क्या बोल देते हैं ड्रॉट बोलते हैं एकदम सिंपल दूसरा मैं बोल रहा हूँ सपोज हंड्रेड एम एम बारिश एनुअली वहां पर होता था बट इस साल वहां पर 50 एम mm एम या उससे कम बारिश हुआ है सपोज़ हम ले लेते हैं 44 फोर एम एम बारिश हुआ ठीक है तो यहाँ तो पहला कंडीशन मैंने बोला कि 75 परसेंट नॉर्मल जितना रेनफॉल होता है उसमें से 75 परसेंट से कम हुआ है सौ एम एम बारिश होता था तो वहां पर पचहत्तर एम एम या बोल रहा हूं जनरली होना चाहिए हंड्रेड एम एम बट वहां पर रेनफॉल फोर्टी फोर एम हो रहा है या फोर्टी नाइन एम हो रहा है पचास या पचास परसेंट से कम हो गया तो उस कंडीशन को, mm, mm mm तो को हम बोलते हैं क्या बोलेंगे उस को हम सेवरे बोलते हैं। जब पचास परसेंट से कम नॉर्मल बारिश जितना होता है उससे पचास भी कम बारिश हो तो उसको हम बोलेंगे ड्राउट ड्राउट तो और ड्राउट में है, जो मुख्य है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट है और एग्रीकल्चर ड्राउट है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मेट्रोलॉजिकल ड्राउट को तो किसको बोलते हैं देखिए क्या होता है कि अगर किसी एरिया में जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेनफॉल है किसी एरिया में जितना एनुअली बारिश होना चाहिए उससे बहुत कम बारिश हुआ एक लंबे समय तक के लिए क्या बोल रहा हूँ कि मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट किसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में एनुअली जितना बारिश होना चाहिए उससे बहुत कम बारिश होती है एक लंबे समय तक के लिए तो एक पानी की कमी आएगी जिसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट अब ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट पहले बात समझ गए कि मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट यानी कि बारिश का कम होना नॉर्मल जितना बारिश होता था उससे बारिश कम हुई एक लंबे समय तक के लिए तो उसको तो हमने मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोल दिए अब अगर वही मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या हो जाएगा एक लंबे समय तक चला मेट्रोलॉजिकल तो क्या होता है कि रिजर्वायर्स हो गए सरफेस वाटर हो गए टैंक हो गए केनाल हो गए वो सब सूखने लगते हैं क्या लगते हैं जो वाटर बॉडीज हैं वो सूखने लगेंगे फिर से वहां भी पानी की कमी आई तो उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या बोल देते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्योंकि देखिए हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होगा तो आपको क्या होगा इरिगेशन फैसिलिटी में दिक्कत आएगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं कैनाल कही, टैंक ये सब का इस्तेमाल करते हो इरिगेशन करने के लिए बट ये हाइड्रोलॉजिकल hydro ड्रॉट आया क्यों भाई क्यों आया तो वो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की वजह से आया मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्यों जबकि एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेनफॉल जितना होना चाहिए उससे कम बारिश हुई है एक लंबे समय के लिए जिसके कारण मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हुआ और मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट जब लंबे समय तक चला तो वो किसको क्योंकि देखिए मेट्रो मेट्रो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट अगर लंबे समय तक चलेगा तो वाटर टेबल में डाउनफॉल आएगा तो वाटर रिजर्वायर्स जो होते हैं उसमें भी पानी की कमी आएगी और अगर वहाँ वाटर पानी की कमी आएगी तो आपको आपको खेती करने में इरीगेशन में भी क्योंकि जो इरीगेशन फैसिलिटी आप यूज़ कर रहे हो उसमें भी पानी की कमी आ जाएगी तो वहाँ पर आपको दिक्कतें आएगी तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की वजह से हो गया हमारा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एग्रीकल्चरल ड्रॉट की बात क्या क्या किसे होता है कि देखिए हमारे वाटर का लॉस कैसे होता है अगर सॉइल से वाटर का लॉस हो रहा है तो उसको तो हम बोलते हैं इवापोरेशन वही अगर प्लांट के बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है सॉइल से अगर वाटर का लॉस हो रहा है आप क्या बोलते हैं सॉइल से अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो आप बोलते हैं इवापोरेशन वही अगर प्लांट से लॉस हो रहा है प्लांट बॉडी से तो आप बोलते हैं ट्रांसपिरेशन और वही ये दोनों प्रोसेस को अगर हम मिला देते हैं तो ईटी e. बोलते हैं इवेपो ट्रांसफरेशन इवेपो ट्रांसफरशन अब क्या होता है कि जब आप खेती कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि सॉइल के मॉइस्चर की कमी आती है सॉइल में मॉइस्चर लेवल इतना हो जाता है कि प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है पानी की कमी महसूस करने लगता है क्यों क्योंकि इवापो ट्रांसफोरेशन ज्यादा हो रहा है वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है वाटर <kling> का लॉस होने के वजह से सॉइल में जो मॉइस्चर है उसकी कमी आ जाती है और प्लांट एक स्ट्रेस फील करता है प्लांट को पानी की कमी महसूस होती है तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल ड्राउट या सॉइल ड्राउट बोलते हैं जब प्लांट को पानी का कमी महसूस हो सॉइल में है ना सॉइल में वहाँ पर इवापो ट्रांसपेरेशन होने की वजह से क्या हो जाए कि पानी की कमी आ जाए तो उस कमी आने की वजह से क्या होता है कि प्लांट एक वाटर स्ट्रेस महसूस करता है जिसको हम एग्रीकल्चरल

ठीक है ना तो अगर हम ड्राइलैंड एग्रीकल्चर की बात करें जहां पर मॉइस्चर मॉइस्चर इज मेजर मेजर प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है एक मेजर है एक तो वहां पर हम सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देंगे हम किस तरह से लॉस को कम कर सकते हैं किस तरह से सॉइल मॉइस्चर को हम कंजर्व कर सकते हैं अभी हमने देखा कि वाटर का जो लॉस होता है वो इवेपोरेशन एज वेल एज ट्रांसपुरेशन के माध्यम से होता है होता है ना तो दोनों प्रोसेस को एक साथ मिला देते हैं ट्रांसफरेशन बोल दिया और ये इवापो ट्रांसपोरेशन जो टोटल रेनफॉल है उसका 60 से 70 परसेंट पानी को लॉस कर देता है तो कहीं कही ना कहीं हम उस मेथड को ड्राइलैंड एग्रीकल्चर में अडॉप्ट करेंगे जो वाटर लॉस को कम करे तो हम सबसे पहले इवापो ट्रांसपोरेशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे तो बहुत सारे मेथड्स एडॉप्ट होते हैं इवापो ट्रांसपोरेशन को कम करने के लिए सबसे पहले मान लिया जाए कि आपने जो प्रीवियस ईयर क्रॉप है उसके जो स्टबल्स बच गए उसको हमने क्या किया पूरे फील्ड में स्प्रेड कर दिए वो एक मल्छ का काम करेगा मल्छिंग का काम करेगा ठीक है तो वहां पर सॉइल के मॉइस्चर को बाहर जाने देगा नहीं या आप ब्लैक प्लोथिन का इस्तेमाल करते हो मल्चिंग के लिए पूरा इंटायर फील्ड को कवर कर देते हो ताकि सॉयल के मॉइस्चर का नुकसान नहीं हो सके तो पहला तो हम कैसे कम कर सकते हैं वहाँ पर ट्रांसपरेशन मल्चिंग के माध्यम से दूसरा सॉइल का मॉइस्चर को कंजर्व रखेगा इस सॉइल से पानी का लॉस मतलब इवापोरेशन कम होगा हम एंटी ट्रांसपेरेंट को यूज करेंगे ट्रांसपेरेशन क्या होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी तो वहां पर हम ऐसे केमिकल्स के यूज करेंगे जो ट्रांसपेरेशन को कम करे या ट्रांसपेरेशन को रोकए उसको तो हम बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं फिर विंड ब्रेक की हम बात करें जहाँ पर हम क्रॉप एरिया है उसके चारों तरफ पेड़ लगा दिए तो क्या करेगा विंड के वेलोसिटी को कम कर देगा वहाँ पर वाटर लॉस कम हो जाएगा फिर हम वीड कंट्रोल करेंगे क्योंकि देखिए अगर आप खेत में वीड है तो वीड भी कही कहीं ना कहीं सॉइल को मॉइस्चर को यूज़ करेगा तो जब वीड ही यूज़ कर लेगा तो क्रॉप के लिए कम तो पड़ेंगे ही ना तो ये सब मेथड से हम क्या कर सकते हैं ए, वाटर के लॉस को कम कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्चिंग क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया अब हम एंटी ट्रांसप्रेंट की बात करें देखिए वाटर का लॉस क्या होता है प्लांट बॉडी से एस्टोमोटा के माध्यम से होता है एस्टोमेटा खुलता है बंद करता है बंद होता है गार्ड सेल की मदद से तो एस्टोमाटा से ही वाटर का लॉस होता है अगर हम एस्टोमेटा को ही बंद कर दें है ना ऐसा एंटी ट्रांसप्रेंट यूज करें हम जो एस्टोमेटा को ही बंद कर दे तो एस्टोमेटा क्लोजिंग टाइम ठीक है ना अब ये कैसे वाटर लॉस को कम करता है ये एस्टोमेटा को ही बंद कर देता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फिनाइल मर्क्यूरिक एसीडेट हर्बिसाइड में एट्राजीम की बात कर दें या कुछ ग्रोथ इनिवेटर भी इसका रूप कौन सा काम करता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट हुआ उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिल्म फॉर्मिंग देखिए क्या होता है कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो वाटर लॉस को कम करता है कैसे वो एक लिफ के प्लांट के सरफेस के ऊपर में एक लेयर बना लेता है लेयर बना लेता है लेयर जब बन जाता है तो वो लेयर बाहर का कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता है अंदर का पानी वो वहाँ से लॉस नहीं हो पाता है बैरियर के रूप में काम करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और प्लांट के इंटरनल इन्वायरमेंट में तो जब क्या होता है प्लांट के ऊपर में एक बैरियर बन बैरियर बना लिया जिससे वाटर का लॉस मतलब प्लांट के बॉडी से वाटर को बाहर जाने नहीं देता है जैसे वाइल वैक्सेज हो गया सिलिकॉन हो गया वो सब क्या हो गया फिल्म फॉर्मिंग हो गया रिफ्लेक्टिंग टाइप की बात करें कहते हैं ये क्या करते हैं कि जब प्लांट सूर्य के प्रकाश आती है तो उस रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट कर देता है और इससे क्या होता है टेम्परेचर तो कम हो जाता है लिफ्ट का टेम्परेचर कम हो जाता है तो लिफ्ट का टेम्परेचर कम होगा तो वाटर का लॉस कम हो जाएगा इसमें हम जैसे कायोलिन का अप्लीकेशन करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप में और कुछ हम ग्रोथ रिटार्डेंट का भी इस्तेमाल करते हैं तो जिसमें ग्रोथ रिटार्डेंट क्या होता है सूट के लेंथ को कम कर देता है बट रूट के लेंथ को इंक्रीज़ कर देता है यानी कि रूट सॉइल के डेप्थ तक में जाएगा अब देफ्त में जाएगा यानी कि अगर रूट ज्यादा देफ्त में नहीं है तो सेलो रूटेड है सेलो है तो इसका मतलब उस, उस एरिया का जो मॉइस्चर है उसको इस्तेमाल करेगा लेकिन अगर रूट देफ्त रहेगा तो वो ज़्यादा देफ्त सॉइल के ज़्यादा देफ्त का मॉइस्चर को यूज़ कर सकता है ड्रॉट कंडीशन को अच्छे से वो लड़ सकता है इसलिए वहाँ पर ग्रोथ रिटार्डेंट का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि सूट के ग्रोथ को कम कर देगा बट रूट के ग्रोथ को इंक्रीज कर देगा फॉर एग्जाम्पल साइक्सेन अगर हम बात करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या क्या रिलेटेड है किसमें हमारे ड्राई ड्राई फार्मिंग में या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में <coughs> तो देखिए ड्राई फार्मिंग्स में जनरली इल्ड कम होता है <coughs> वेरिएंट ईल्ड होता है मतलब कोई फिक्स इल्ड नहीं रहता है उसके पीछे रीजन क्या है एक देखिए अपने देश में कैसा रहता है जनरली ड्राई लैंड फार्मिंग में कम बारिश होती है तो मॉइस्चर की कमी रहती है दूसरा अन डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का कहीं पर ज़्यादा बारिश हो गया तो कहीं कम हो गया अब क्रॉप पीरियड चल रहा हो जिस समय क्रॉप को सबसे ज्यादा बारिश की जरूरत है उस समय बारिश नहीं हो रहा है और बारिश ऐसा समय पर हो रहा है जहां पर क्रॉप को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इवेंट नहीं होता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में दूसरा अगर हम बात करते हैं मानसून का लेट आना अब मानसून का लेट आएगा तो सोइंग भी लेट होगा और सोइंग लेट होगा तो इल्ड इफेक्ट करेगा ही करेगा प्लस कब मानसून लेट आना और प्लस पहले चला जाना तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब प्लांट फ्लावरिंग स्टेज या मेच्यूरिटी स्टेज में होता है जहां पर पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होता है उससे पहले मानसून चले गए अब मानसून जब वहां चले गए तो फिर से क्रॉप के इल्ड में क्या होगा पानी की नीड पूर्ति नहीं हो पाएगी तो इल्ड में इफेक्ट तो होगा ही होगा उसके बाद अगर हम बात करते हैं बहुत क्रॉप पीरियड के दौरान दो इरिगेशन पीरियड में दो इरिगेशन के बीच में लंबा गैप हो जाना सपोज एक इरीगेशन दिए फिर एक लंबा सा ड्राई स्पेल चल गया तो ये भी समस्या आपको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है प्लस ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में जो सॉयल होते हैं उसके पास लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रहता है साथ साथ जो अगर हम बात करें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को कहते हैं ना कि ड्राई में फार्मिंग में जो होता है सिर्फ मिट्टी जो होती है वो थ्रस्टी ही नहीं होता है हंगड़ी भी होते हैं यानी कि उसमें न्यूट्रेंट की भी कमी रहती है उसमें क्या रहता है न्यूट्रेंट की कमी है यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी भी कम रहती है ठीक है तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था किसके बारे में हमारे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में आपका इसको कोर्स में आपको इसका डिटेल्ड लेक्चर मिल जाएगा ये लंबा टॉपिक है ये मैंने सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें डिस्कस किया वहाँ पर आपको लेक्चर में आपको पूरा चीज़ बताया जाएगा कि करेंट सीनेरियो कितना है कितना एरिया हमारे देश में ड्राई लैंड फार्मिंग होती है है ना है? और इसमें एक, इस कौन कौन से मेजर क्रॉप्स लेते हैं ये सारा चीज़ आपको जो लेक्चर जो मैं आपको क्लास के लेक्चर से वहाँ पर सारा चीज़ अपलोडेड रहेगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से वीडियो को देखिए समझिए और इस पर बेस्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराइए वैसे मैं आपको एक थ्योरी लेक्चर के बाद क्वेश्चन वाला लेक्चर भी लाऊंगा जहाँ से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं थैंक यू